नमस्कार, मैं हूं संतोष। सायंकालीन समाचार में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। एनसीसी कैंप में ट्रेनिंग के दौरान नहीं थी राइफल, आईटीआई छात्र ने दो दिन में बना दी AK-47 की डमी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता मंच द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सौंपा ज्ञापन। समदड़िया द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान घायल श्रमिक की हुई मौत, अस्पताल में मुआवजे की मांग को लेकर घंटों चला हंगामा। अब खबरें विस्तार से। एनसीसी के छात्रों को बिना आर्म्स के ट्रेनिंग करता देखकर आईटीआई के छात्र ने बना डाली लकड़ी की राइफल। ये राइफल AK-47 की डमी है। छात्र के इस प्रयास से खुश होकर सेना के अधिकारी ने छात्र को सम्मानित किया। आईटीआई के छात्र ने लकड़ी की राइफल बनाई है। ये राइफल AK-47 की डमी है जिसे उसने सेना के अधिकारी को सौंपा है। छात्र के इस प्रयास से खुश होकर सेना के अधिकारी ने उसको सम्मानित किया। आईटीआई के कारपेंटर ट्रेड के छात्र आशीष कुमार विश्वकर्मा निवासी सगरा ने लकड़ी की AK-47 राइफल तैयार की है। इस राइफल को बनाने में उसको दो दिन का समय लगा और करीब 100 रुपये की लागत आई, जिसमें 60 रुपये का एक लेंस लगा हुआ है और 40 का खर्च उसे पेंट करने में आया। पूरी राइफल की पिक्चर दिमाग में बैठा कर छात्र ने लकड़ी की गन तैयार की है जो हूबहू असली राइफल से मिलती जुलती है। गन की बैरल में लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया गया है। आईटीआई कॉलेज में एनसीसी का कैंप आयोजित हुआ था जिसमें छात्रों को आर्म्स की ट्रेनिंग दी जानी थी, लेकिन कैंप में राइफल नहीं थी। इस बात से छात्र को लकड़ी की राइफल बनाने की प्रेरणा मिली और उसने राइफल बनाकर कैंप में शामिल होने के लिए सागर से आए सेना के DM को सौंपा। छात्र के इस प्रयास पर सेना के अधिकारी ने उसको सम्मानित करते हुए उसका हौसला बढ़ाया है। तो वो बढ़िया, मतलब लकड़ी का बना है। इसमें जो ये लेंस दिख रहा है आपको, ये कांच का है, बाकी जो बाकी दिख रहे हैं ये मोस्टली एक की होल है जो अपन दरवाजों में जो आशीष कुमार विश्वकर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश विश्वकर्मा, मैं सगरा का रहने वाला हूँ। मैं आईटीआई रीवा में कारपेंट्री ट्रेड का छात्र हूँ। मैं यहाँ देखा कि 33 MP बटालियन की ट्रेनिंग चल रही थी एनसीसी की हमारे यहाँ, तो उनके पास जो एम्बुनेशन ये हथियार नहीं थे ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि वो सीख सके अच्छी तरह से कि कैसा पकड़ा जाता है बंदूक को, कैसी चलाई जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लकड़ी की डमी दे दी जाए ताकि ये ट्रेनिंग तो कर सके अच्छे से। तो मैंने उनके लिए AK-47 का निर्माण किया जो कि 90% भाग उसका लकड़ी का बना हुआ है और जो वायरल वास है उसका लोहा का बना हुआ है, और लेंस जो है तो लकड़ी का बना है, उसमें लेंस कांच लगा है लेंस का। वो बहुत ही कम लागत में बनाई गई जो सिर्फ 100 रुपये के उसमें। जी सर, ये सागर से CO साहब आए थे, मैंने उनको अप्रोच किया, उसको दिखाया बंदूक को, उन्होंने देखा और उसका जो शॉर्ट पिक है वो लिए हैं और देखे हैं, उनको वेरीफाइड किए हैं। सर मैं ये देखा कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग चल रही है उसके उपलक्ष्य में मैंने बनाया कि बंदूक बना दे ताकि ट्रेनिंग कर सके अच्छे से लोग हमारे यहाँ के जो छात्र हैं NCC ज्वाइन किए हुए हैं। ये आज 5वां दिन है ट्रेनिंग का, तो मैंने ये शनिवार को उनको दिया बंदूक बना के, 2 दिन के अंदर ये बंदूक कम्प्लीट हो गई बन के। हाँ, गन का अप्रूवल मुझे सील मिली है सर के हाथों से। नहीं सर, बोले कि एक लाइट मशीन गन बना दीजिए वही लकड़ी की, तो मैं बोला ठीक सर बन जाएगी 2 से 4 दिन के अंदर ये बंदूक LMG। जी सर, मैं सगरा का रहने वाला हूँ और मेरा जिला रीवा लगता है, स्टेट MP है।
जो मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ कारपेंटर ट्रेड का, जो जो कि एक ही वर्ष का कोर्स है। जी सर, यही देना चाहते हैं कि अच्छे से प्रोग्रेस करें और अच्छे अच्छे चीज़ों का निर्माण करें, ताकि कम लागत में अच्छी चीज़ अप्रूवल हो सके, इसमें बन सके। जी सर, मेड इन इंडिया के चलते सब लोग अपने आत्मनिर्भर बन सके यहाँ। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ NCC बच्चे हैं, उनका कैंप था। चूँकि अमूमन ये कैंप हमारा सागर में ही होता है, फर्स्ट टाइम ये कोविड को लेकर के कैंप यहाँ संस्था में ही आयोजन किया गया। इस कैंप के दौरान बच्चों को आर्म्स के भी ट्रेनिंग दिए जाते हैं, और चूँकि बच्चों का हमारे यहाँ ट्रेड है, स्किल पर्सन हैं, बच्चे हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, बच्चों के द्वारा ये काम कराए जाते हैं ट्रेनिंग। ये जो हम देख रहे हैं ये मोस्टली एक मॉडल है, लकड़ी का है, डमी है, फंक्शनिंग नहीं है, और इसमें ज्वाइंटली अप्रोच है। ट्रेनिंग ऑफिसर हमारे और बच्चे बिल्डर के, कारपेंटर के, टर्नर के, फिटर के, ये ज्वाइंटली अप्रोच है करके एक मॉडल रूप देखा है। इसके लिए जो तैयारियां की इन्होंने विधिवत यूट्यूब वगैरह से देख करके, फ़ोटोज़ देख कर स्टडी किया, फिर इन्होंने एक डमी रूप बनाया इसको। जी, कोई अप्रूव नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है, एकदम नहीं है, फंक्शनिंग तो है ही नहीं है। जी जी जी, ट्रेनिंग में मोस्टली वुडन के, जैसे लकड़ी के कारपेंटर वाले देख रहे हैं, बिल्डिंग का काम है बिल्डर करते, सामान्यतः प्रक्रिया जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है उसके द्वारा ये मॉडल का रूप दिया है। जस्ट मॉडल है, फंक्शनिंग एकदम नहीं, डमी है एकदम। जी, हमारे यहाँ बच्चे चूँकि NCC कोर भी है, तो NCC के बच्चे मैक्सिमम हमारे यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे 4 से 5 बच्चे जो है ना डिफेंस के लिए सेलेक्ट हुए। सर, पूर्व में भी कुछ ऐसा हुआ है कि अपने यहाँ कुछ छात्रों ने वेपन्स का निर्माण किया हो और वो अप्रूवल हुई हो? पूर्व में नहीं है, वेपन बनते ही नहीं है एक्चुअली में, वेपन का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ट्रेनिंग का है, एक मॉडल बनाया गया है। वेपन का हमारे यहाँ एकदम काम नहीं होता, हमारे यहाँ तो मोस्टली ट्रेनिंग का ही काम है, बच्चों के द्वारा इन्हें एक मॉडल बनाया गया है। विगत दिनों सिरमौर चौराहा स्थित निर्माणाधीन सबदड़िया बिल्डिंग में श्रमिक के सिर पर 2 मंजिल के ऊपर से छड़ गिरने से श्रमिक की हालत बिगड़ने लगी। कल शाम उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के समय घायल श्रमिक के सिर पर न तो हेलमेट था, न ही सुरक्षा के अन्य कोई भी इंतजाम किए गए थे। श्रमिक की मौत होने के बाद उनके परिजनों के द्वारा मुआवजे की मांग किए जाने पर समदड़िया बिल्डर के द्वारा 8 लाख रुपए दिए जाने की बात कही गई, लेकिन बाद में 1 लाख रुपए तथा शेष राशि न्यायालय के फैसले के बाद देने की कही गई। इस पूरी बैठक में चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतक के परिजनों को बैठक से बाहर रखा गया और परिजन लगातार 10 घंटे से अस्पताल में एकत्र रहे तथा संजय गांधी में घेराव करते रहे। अंततः प्रशासन एवं समदड़िया बिल्डर के प्रबंधन द्वारा 8 लाख रुपए बतौर मुआवजा राशि मृतक के परिजनों को दिए जाने पर सहमत बनी। अक्सर देखा गया कि जिले में जहां भी निर्माण कंपनियों द्वारा निर्माण कराए जा रहे हैं, वहां श्रम विभाग द्वारा साठ गांठ होने के कारण ऐसी गंभीर घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। प्रस्तुत है परिजनों सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से जानकारी के कुछ अंश। घटना तो ये समदड़िया मॉल जो मेडिकल महल बन रहा सिमौल चौराहे पे, वहाँ ये सरिया का काम करता था, हम थे गांव में। तो यहाँ के लोग ने सूचना दी कि आपके भाई के ऊपर सरिया का राड घुस गया सर में। हम वहाँ से आए, जैसे वहाँ से आए तो हमें यहाँ दिखे हॉस्पिटल में, उसको भर्ती देखे, बेहोशी हालत में पाए। अब बेहोशी हालत में पाते पाते आज तक हम उसको देख नहीं पाए कि जीवित है क्या है, वो आँखी मुंदी तो मुंदी इसी वेंटिलेटर में रखा गया था। हाँ, वेंटिलेटर में रखा गया था, लेकिन ऐसा हमको शंका हुआ कि 2 रोज जो है एक्स्ट्रा भी रखा गया था। एक्स्ट्रा भी किस दबाव में कौन दबाव दिया ये हमें नहीं मालूम। अभी नहीं, कोई बात नहीं, उनको मिलने अंदर गुफ्तगू चल रही है कि आप अंदर गए थे? नहीं, अंदर हम नहीं गए, बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं मालूम कौन क्या है, कौन अधिकारी है, कौन क्या है, लेकिन हम तो बाहर खड़े हैं। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम मांग हमारी कुछ नहीं थी, उनकी माँ वो उन्होंने कहा था कि आपके परिवार के जो ख़त्म हो गया तुम्हारा भाई, इसके लिए सहयोग राशि देंगे। सहयोग राशि देने के लिए 8 लाख बोले थे इन्होंने। वो भी देने से मना कर रहे थे। ओहो, देने से इन्होंने आपिस बुलाए सिरमौल चौराहा। सिरमौल चौराहा गए, इन्होंने 1 लाख देने को स्वीकार किया, वह खाते में 7 लाख उन्होंने कहा कि खाते में डालेंगे, लेकिन जब फैसला हो जाए।
फैसला हो जाएगा। वहाँ से हम चले आए, हम लोग अब वही जो चाहते हैं धरना में हैं तो हैं, चाहते हैं वो कि 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए दे दे, नहीं अब फिर अब जितना बोले सहयोग हमको उतना दे दे बस। अभी कितनी देर से यहाँ भटक रहे हैं? हम सुबह 7 बजे से भटक रहे हैं। अभी कितना बज रहा होगा? 4 बज गया। तहसीलदार लोग भी आए, प्रशासन भी आए, कुछ होगा? कुछ नहीं, बस सब जेब भरा, सब टकाटक। समदड़िया के आगे सब बिके, सब बिके हैं। समदड़िया कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो मृत्यु हुई थी रमेश जी की, उनकी पत्नी को अभी तुरंत 1 लाख रुपया और 7 लाख रुपया का चेक इन ने दिया है। पीछे के कब भाजने के लिए दिया है? ये आज के दिनांक का ही दे दिया है इन्हें। जी, क्या न्यायालय कोर्ट के बाद, लेवर कोर्ट के बाद नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ये संवेदना के रूप में इनको दिया गया है। 8 लाख रुपए दिए गए। जी, अभी इतनी देर तक समय क्यों लग रहा? बात नहीं हो पा रही थी प्रबंधन से, और प्रबंधन आनाकानी कर रहे थे। परिजन बड़े सहानुभूतिपूर्वक इनके कार्यालय भी गया था, और यहाँ पे उनके पूरे परिजन बैठे हुए हैं, और शांतिपूर्वक उनका निर्णय हो गया, पीएम हो गया। जी, अब पीएम होने की तैयारी हो जाएगी। क्या नाम है? जी, आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, मेरे ये रिश्तेदार हैं। ये विगत कुछ दिनों पूर्व में यहाँ पर मेडिकल हॉल बन रहा है, सिरमौर चौराहे में समदड़िया मेडिकल हॉल बनाया जा रहा है, वहाँ पर एक रमेश सिंह नाम के श्रमिक की दुर्घटना में घायल हो गए थे, सर में कुछ चोट लगी थी उनके, उनके इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल यहाँ रीवा में भर्ती किया गया था, और ये 2 दिन वो एडमिट रहे थे, 3 दिन, और इलाज के दौरान ही उनकी कल शाम को मृत्यु हो गई थी। वही परिजनों और प्रबंधन को बीच में लेकर के सहायता राशि को लेकर के कुछ बातचीत चल रही थी, उसी में प्रबंधन के द्वारा 3 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई है परिजनों के साथ, जिसमें से 8 लाख रुपए उनके द्वारा सहयोग सहायता राशि दिया जा रहा है, और 100 वाहन दिया जा रहा है, और 10 संस्कार के लिए सहयोग राशि। फिर बात तय होगी। प्रक्रिया में 10 घंटे लग गए, क्या चल रहा था? परिजनों और प्रबंधन को लेकर के कुछ बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, और फिर उसी को बातचीत के कई दौर चले, और अभी चल करके चूँकि प्रबंधन यहाँ है नहीं, जो कि वरिष्ठ प्रबंधन है वो जबलपुर में है, उसी को लेकर के फ़ोन पर भी बात हुई है, तो अभी निराकरण हो गया है। सर, समदड़िया में ना तो कोई सेफ्टी प्रूफ ये चल रही है, ना कभी प्रशासन झांकता है, ना पुलिस झांकती है, ना कोई कुछ चलता है, समदड़िया के आगे नतमस्तक प्रशासन नजर आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, लेबर ऑफिसर्स को भी सूचित किया गया है, और उनको भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं उन पर जाकर विधिवत रूप से निरीक्षण करें। हाँ, अभी थाना प्रभारी अमहिया इस पर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, वो लोग FIR जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्यवाही करेंगे। फिलहाल आज तो उसका PM हुआ है, और परिजनों में आक्रोश था, उसको शांत करा के मैनेजमेंट से जो भी इनकी बात हुई है उस पर समझौता हुआ है, रहा पुलिस केस तो वो अलग मैटर है, मर्ग में जाँच चल रही है, मर्ग पंजीबद्ध हुआ है, मर्ग में जांच करेंगे, जिन तथ्यों का समावेश उसमें होगा और जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चलती ट्रेन में चोरी करने वाले 2 युवकों की यात्रियों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर डाली। ये मामला रीवा रेलवे स्टेशन का है, जहां 2 शातिर चोरों को यात्रियों द्वारा पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। ये दोनों चोर बड़े शातिराना अंदाज में चलती ट्रेन से यात्रियों के सामान पार कर रहे थे। यात्रियों ने दोनों चोरों को पिटाई के बाद मौके पर पहुंची GRP पुलिस को सौंप दिया। रीवा रेलवे स्टेशन से आज 2 चोरों को यात्रियों ने पकड़ लिया, और दोनों की लात और घूंसे से जमकर धुनाई कर दी। दोनों ही शातिर चोर चलती ट्रेन से यात्रियों का सामान पार करते थे। घटना रात तकरीबन 8 बजे की है, उसी दौरान रीवा से भोपाल हबीबगंज की ओर जाने वाली ट्रेन चली, तभी दोनों ही शातिर चोर चलती ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन के अंदर सवार यात्रियों का रखा सामान पार करने लगे। इसी बीच किसी यात्री की नजर इन दोनों चोरों पर पड़ गई, जिसके बाद यात्रियों ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। ट्रेन की चैन खींचकर यात्रियों ने ट्रेन को रोक दिया और आरोपियों को ट्रेन के बाहर लाकर जमकर जूतम पैजार किया। शोर शराबा सुनकर रीवा रेलवे की GRP पुलिस भी पहुंच गई, और दो हाथ उन्होंने भी जमाए। प्रस्तुत है जानकारी के कुछ अंश। ट्रेन नंबर 0186 में
चैन पुलिंग हुई, स्टाफ द्वारा देखा गया गाड़ी को, उसमें एक व्यक्ति चैन पुलिंग करके उतरा, उसको जो है स्टाफ द्वारा पकड़ के थाने लाया गया, उससे पूछताछ किया गया, बोलो दोस्त को बैठाने आया था इसलिए चैन पुलिंग करके उतरा था, जिसको अपन पकड़ के केस बनाए। हम लोगों ने मारपीट कुछ नहीं किए, कोई मारकूट नहीं हुई। रीवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका एकता मंच द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मानदेय से अनुचित तरीके से काटी गई राशि का एरियर सहित भुगतान करने एवं सेवानिवृत्त होने पर राशि देने की घोषणा को लागू करने एवं इसी बजट में इसे पारित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप ज्ञापन देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग में जमीनी स्तर पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पिछले 45 वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग में सेवाएं दे रही हैं। आंगनवाड़ी कर्मी अपने कार्यक्षेत्र में शासन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं, वे अन्य शासकीय कर्मचारियों के बराबर या उनसे बढ़कर काम करती हैं। इसके बावजूद आंगनवाड़ी कर्मी को कर्मचारी का दर्जा एवं न्यूनतम वेतन से भी वंचित किया गया है। काफी संघर्षों के बाद राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 1164/212/2018 दिनांक 28/5/18 के माध्यम से मानदेय में वृद्धि कर कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य का हिस्सा 7,000 रुपये और उप कार्यकर्ताओं के मानदेय 3,500 रुपये एवं सहायिका मानदेय में राज्य का हिस्सा बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया है। इसे जून 2018 से लागू किया जाना था, लेकिन 13 महीने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा 27 जून 2019 को एक अन्य आदेश जारी कर कार्यकर्ता के मानदेय से 1,500 रुपये एवं उप कार्यकर्ता के मानदेय से 1,250 रुपये एवं सहायिकाओं के मानदेय से 750 रुपये की राशि काट ली गई है, जो कि अन्यायपूर्ण एवं अवैधानिक है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कर्मचारी श्रमिक का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। हमारा आज ये आंदोलन पूरे प्रदेश में है और हमारी मांगे जो है ये अभी बजट सत्र आ रहा है और सरकार जो है जब यही सरकार थी 2018 में तो 8 अप्रैल को इन्होंने घोषणा की थी मानदेय वृद्धि की और रिटायरमेंट पे 1,00,000 रुपये कार्यकर्ता को और 75,000 रुपये सहायिका को देने की, इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन जो ये रिटायरमेंट पे जो घोषणा की थी उन्होंने देने की उसका कोई आदेश उन्होंने अभी तक किया नहीं है। दोबारा भी आ गए लेकिन अभी तक भी किया नहीं। दूसरा है कि जो मानदेय वृद्धि की थी उस वो भी मानदेय वृद्धि में 1,500 रुपये कार्यकर्ता का, 750 रुपये सहायिका का और 1,250 रुपये मिनी कार्यकर्ता का मंथली काट लिया, जबकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पैसा बढ़ता है तो उसको काटा जाए, वो नियम के विरुद्ध है। तो सरकार ने जो ये कटौती की है हमने कोर्ट में भी लगाया है और कोर्ट से नोटिस भी हो चुकी हैं। हम ये मांग करते हैं कि इसी बजट सत्र में जो काटा गया पैसा है वो हमारा दिया जाए, इसी बजट में लाया जाए और जो घोषणा की थी रिटायरमेंट में देने की 1,00,000 और 75,000 रुपये उसको भी इसी सत्र में वो लेके आए और कार्यकर्ताओं को जितने लोगों का घोषणा के बाद रिटायरमेंट हुआ है वो सभी को उसका लाभ दिया जाए। कोर्ट से क्या नोटिस? कोर्ट से कोर्ट में लगा है, कोर्ट को हमने जिसको जिसको पार्टी बनाया था उनको, मुख्यमंत्री को भी और सरकार को सभी को नोटिस हुई है, विभाग को भी नोटिस हुई है। हाँ हाँ पैरवी, मैं किशोरी वर्मा, राज्य महासचिव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। जी जी पूरे प्रदेश में आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? नहीं होती तो हम और भी ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन मांग हमारी जो है हम कोर्ट में भी हमने लगा रखा है और कोर्ट से हमें विश्वास है कि हमारा जो फैसला है हमारे पक्ष में होगा, न्याय होगा, पक्ष में और विपक्ष की बात नहीं है, जो अन्याय हुआ है उसका हम न्याय चाहते हैं और हमें कोर्ट से उम्मीद है कि न्याय होगा। किशोरी वर्मा, नाम बता दीजिए। मैं किशोरी वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की राज्य महासचिव। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से मचा हाहाकार, ट्रक एसोसिएशन के बाद बोरिंग मशीनों के थम गए पहिए। पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, डीजल के दाम 100 का आंकड़ा छूने वाले हैं। ऐसे में आए दिन बढ़ रहे दामों के कारण वाहन मालिकों की कमर टूट चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ट्रक एसोसिएशन ने भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे रैक प्वाइंट में स्ट्राइक कर दिया था। आज बोरिंग मशीन ऑपरेटरों ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ रहे दामों का विरोध करते हुए कहा है
कि जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के दाम नहीं घटते वो काम नहीं करेंगे या फिर उनके भी दाम बढ़ाए जाएं। कुल मिलाकर बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से कई व्यापार सहित आम जनता की जेबों पर भारी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब बस ऑपरेटर भी किराया बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते सबसे अधिक महंगाई का प्रभाव आम जनता पर पड़ने वाला है। प्रस्तुत है डायमंड पटेल से जानकारी के कुछ अंश। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया को बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमारा बोरिंग एसोसिएशन पूरे यहाँ बोरिंग ऑनर बैठे हुए हैं, मैं सभी को, हम लोग पिछले 5 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, मतलब धरना देख माने जाए इसको, बोरिंग खड़ा करने में मतलब लेबरों का धरना है। अगर जब तक डीजल का रेट डाउन नहीं होगा, बोरिंग में वृद्धि नहीं होगी, तो हमारा ये एसोसिएशन इसका वो करेगा, विरोध करेगा और संघर्ष जारी रहेगा, मशीन खड़ी रहेंगी, किसी के यहाँ बोर नहीं करेंगे हम लोग। क्या आप लोग आपसी सहमति से रेट तय करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार अपनी आपसी सहमति से डीजल बढ़ा सकता है तो हम लोग अपनी आपसी सहमति से बोर का रेट बढ़ाएंगे। और उसका जो हमारा बोरिंग एसोसिएशन है रीवा का, जो हम लोग रेट फाइनल करेंगे वही रेट फाइनल होगा, उसके हम ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। आज किसान परेशान हो रहा है, किसान के पास पैसा नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है, यहाँ इतने लेबर हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको, ये लेबर कहीं कोई झारखंड से आया, कोई मद्रास से आया, कोई रीवा से आया, मैं इन सबको की तरफ से बोलना चाहता हूँ, आज इनकी तनख्वाह देखा जाए तो कम से कम 10,000 रुपये होता है, अगर बोरिंग से निकाल दिया जाए तो इनकी निकाल के दिया जाए तो इनके कुछ भी नहीं है हो रहा है। आज हम लोग को माइनस में जा रहे हैं, और तार खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, पूरी मेंटेनेंस होता है, पूरा A to Z जो पार्ट्स मिलते हैं बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं, और इसके पूरे पार्ट्स यहाँ से तमिलनाडु से बाहर से आते हैं। अगला कदम बिल्कुल ये कांटू चलते रहेगा, अगला कदम हम मशीन चलाएंगे नहीं, अगला कदम मेरा रहेगा कि आंदोलन करेंगे, इसके रेट बढ़ाने के लिए शासन से मांग करेंगे कि हमारी मांग पूरी की जाए, अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो ये निरंतर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। डीजल का रेट घटाएं। दिनेश डायमंड, सरदार सेना के प्रदेश अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।